कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई और पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी से माफी मांगी है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने के बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लक्ष्मण सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने। राहुल गांधी का 10 दिन में कर्ज माफी का जो वादा किया गया था उस पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक ही सवाल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लक्ष्मण सिंह जो कि कांग्रेस से विधायक भी हैं और दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कर्ज माफी को लेकर, राहुल गांधी ने 10 दिन का वादा किया था। जी हाँ, मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर जो हमने कहा था 45,000 करोड़ का कर्ज माफ कर देंगे, उसका आदेश जरूर हो गया था, लेकिन चूंकि वो राशि बैंकों में नहीं पहुंची है इसलिए जिनको प्रमाण पत्र दिए हैं सरकार ने उनको बैंक मान्य नहीं कर रहा है। तो अब ये इस स्थिति से उबरने के लिए मैं समझता हूँ राहुल जी स्वयं भोपाल आए और हम सब मिलकर इस पर चिंतन करें और चिंतन करके क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको जनता को जाके बताएं। और माफ़ी भी मांगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमसे गलती हुई है। 10 दिन में 45,000 करोड़ का कर्जा संभव नहीं था, न है न हुआ। लोग सवाल करते हैं, मीडिया सवाल करता है, स्थानीय मीडिया जो हमारे वहाँ के लोग आते हैं, कैसा आप कर्ज माफ कब करेंगे, तो इसका ये सारी राशि कब तक हम दे देंगे? देंगे, मैं विश्वास है मुझे कमलनाथ जी व्यवस्था करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे ये हम जनता को बता दें तो फिर हमें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साफ तौर पर जो लक्ष्मण सिंह हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था कर्ज माफी का, 10 दिन की कर्ज माफी का, वो कहीं ना कहीं किसानों में उस बात का गुस्सा भी है कि आखिरकार कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। और इस बात पर अब खुद कांग्रेस के ही विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नायडू के साथ विपिन श्रीवास्तव, R90 भोपाल।